नमस्कार दोस्तों, व्यक्ति डॉट इन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विवेक कुमार। मेरे पास है यहाँ पर ओप्पो का A54 और सैमसंग का A03s। मैं यहाँ पर करने वाला हूँ दोनों फ़ोन का स्पीड टेस्ट कंपैरिजन। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों फ़ोन के हार्डवेयर की, फिर देखेंगे क्या रेस्पॉन्स यहाँ पर दोनों ही फ़ोन में स्पीड का रहता है। तो हार्डवेयर के लिए मैं आ गए दोनों फ़ोन के अबाउट फोन सेक्शन में। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों फ़ोन के UI की। कलरओएस का वर्जन V7.2 आपको मिलता है A54 में, जबकि A03s में वन UI का वर्जन 3.1। बात करें OS की तो यहाँ पर A54 में एंड्रॉयड 10, जबकि A03s में आपको लेटेस्ट एंड्रॉयड 11 देखने के लिए मिल जाता है। प्रोसेसर की अगर बात करें तो वहाँ पर कोई डिफरेंस दोनों फ़ोन में नहीं है। दोनों फ़ोन में आपको हीलियो का P35 ऑक्टो कोर प्रोसेसर दिया हुआ है, जो कि 12 नैनोमीटर पर वर्क करता है। इसकी चार कोर हैं 2.35 GHz कॉर्टेक्स A53 की और चार कोर हैं 1.8 GHz कॉर्टेक्स A53 की। पावर VGR G8320 आपको मिलता है यहाँ पर। GPU और 4 GB की रैम दोनों फ़ोन में अवेलेबल है। तो दोस्तों, ये है दोनों फ़ोन का हार्डवेयर, जहाँ पर डिफरेंस है केवल UI और OS का। प्रोसेसर का कोई डिफरेंस नहीं है। देखते हैं स्पीड में किस फ़ोन की परफॉर्मेंस फास्ट देखने के लिए मिलती है। तो दोस्तों, स्पीड टेस्ट के लिए हमने यहाँ पर डाउनलोड कर रखे हैं दोनों फ़ोन में जो कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। हम इनको प्ले करेंगे और देखेंगे कौन सा फ़ोन फास्ट परफॉर्मेंस दिखाता है। और स्पीड टेस्ट स्टार्ट करने से पहले आपको दिखा दूं, दोनों ही फ़ोन की रैम क्लियर है। दोनों ही फ़ोन के बैकग्राउंड पर एक भी एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं अपना स्पीड टेस्ट फर्स्ट एप्लीकेशन का, जो कि हमारा बॉब्स वर्ल्ड, और फिर देखेंगे परफॉर्मेंस दोनों ही फ़ोन की। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर लॉन्च करे थे ये सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, और आपने देखा यहाँ पर A03s A54 से थोड़ा सा फास्ट परफॉर्मेंस दिखाता है। अब यहाँ पर नेटिव एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं। तो पहला यहाँ पर हमने ओपन कर लिया फ़ोन, दूसरा ओपन कर लेते हैं यहाँ पर दोनों ही फ़ोन का मैसेज, और थर्ड ओपन कर लेते हैं यहाँ पर दोनों ही फ़ोन का कैमरा। और तो ये हो गए हमारे यहाँ पर 10 थर्ड पार्टी एप्लीकेशन और 3 नेटिव एप्लीकेशन। दोनों ही फ़ोन में 4 GB की रैम है। देखते हैं बैकग्राउंड पर किस फ़ोन में कितने एप्लीकेशन आपको रनिंग में मिल जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर दोनों फ़ोन का रैम मैनेजमेंट टेस्ट और देखते हैं क्या रिजल्ट है। फर्स्ट एप्लीकेशन बॉब्स वर्ल्ड, और यहाँ पर ये A54 के बैकग्राउंड से हट चुका है, जबकि A03s के बैकग्राउंड पर अभी बना हुआ है। MX Share नेक्स्ट एप्लीकेशन, यहाँ पर भी वही सेम रिजल्ट है। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्रेजी यूजर, और यहाँ पर भी वही सेम रिजल्ट है, ये भी A54 के बैकग्राउंड से हट चुका है। नेक्स्ट एप्लीकेशन हिल क्लिम,
और ये भी A54 के बैकग्राउंड पर नहीं है, आप देख पा रहे होंगे। तो रैम मैनेजमेंट यहाँ भी A03S का ज़्यादा अच्छा है। लैप्स वर्ड ये भी A54 के बैकग्राउंड से हट चुका है। नेक्स्ट एप्लीकेशन मॉडर्न सिटी, और ये भी ओप्पो A54 के बैकग्राउंड से हट चुका है। नेक्स्ट एप्लीकेशन पॉप शूटर, और यहाँ पर भी वही सेम रिजल्ट है। नेक्स्ट एप्लीकेशन स्मैशेट, और यहाँ पर भी वही सेम रिजल्ट है, ये भी A54 के बैकग्राउंड पर नहीं है। और लास्ट थर्ड पार्टी एप्लीकेशन स्ट्रीट रेसिंग, और ये भी यहाँ पर ओप्पो A54 के बैकग्राउंड पर नहीं है। एक नेटिव एप्लीकेशन भी चेक कर लेते हैं क्या वो है या नहीं, तो आप देख पा रहे होंगे नेटिव एप्लीकेशन भी यहाँ पर A54 के बैकग्राउंड पर नहीं है। तो रैम मैनेजमेंट में यहाँ पर A54 काफ़ी ज़्यादा बेकार परफॉर्मेंस दिखाता है, एक भी एप्लीकेशन बैकग्राउंड पर नहीं था। स्पीड के मामले में भी A03S A54 से ज़्यादा अच्छा था। तो आज के स्पीड टेस्ट का विनर है सैमसंग गैलेक्सी A03S, और ये था हमारा सैमसंग गैलेक्सी A03S और ओप्पो A54 के बीच स्पीड टेस्ट कंपैरिजन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।